फोर व्हीलर स्कूटर। हाय गाइस, वेलकम टू फोर व्हीलर स्कूटर और आपका सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यहाँ पर काम के साथ में बातचीत करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे, सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़े घर के काम करते करते आपके सवालों का जवाब दे दूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे DM करके और कुछ लोगों ने कमेंट में जो पूछा है वो है, क्या आप बच्चे का नाक मसाज करते हो तो नाक तीखा होता है? देखो, सब्जी में जब मिर्ची डालते हो तो मिर्ची मतलब सब्जी तीखी हो जाती है। बच्चे का नाक एट द एंड ऑफ द डे मसाज करोगे तो हो सकता है कि शायद बच्चे को थोड़ा बेटर फील हो, लेकिन तीखा तो नहीं होता है। जो माँ बाप का जो नाक है, वॉट एवर द हेरिडिटरी इज, वॉट एवर द DNA इज, बच्चे का नाक उसी हिसाब से होता है। सो बेसिकली आप ये सोचिए कि अगर मम्मी का नोज अगर ऐसा हो जैसे मेरा है और पापा का नोज अगर ऐसा है मेरे जैसे, तो बच्चे का नोज अभी ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। सो बेसिकली इट्स अ मिथ, बट या मसाज करके ट्राई कर सकते हैं। आप अलाइना का अब तक ईयर पियर्सिंग क्यों नहीं कराया आपने? अलाइना का ईयर पियर्सिंग क्यों नहीं कराया? क्योंकि करण और मैंने डिसाइड किया था कि हम ये जो डिसीजन है उसके ऊपर छोड़ देंगे। हमारे डॉक्टर ने भी बोला था कि मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि छोटे होते हुए, जब बहुत से लोग होते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तब कान पियर्स करा दो तो उनको दर्द नहीं होता। लाइक कम ऑन, अगर मैं आपको चुंडी मारू या फिर चुंडी का मतलब इसका प्रॉपर पियर्सिंग तो आप बोलेंगे कि हाँ दर्द नहीं होता है, इट इज इम्पॉसिबल। बच्चे को भी दर्द होता है, सिर्फ ये बच्चा बोल नहीं सकता। सो हम वेट कर रहे हैं कि अलाइना थोड़ी बड़ी हो जाए और वो जब खुद बोले कि हाँ मुझे ईयर पियर्सिंग करनी है तो तभी हम उसका ईयर पियर्सिंग के लिए बेसिकली हम उसके ऊपर वो चॉइस छोड़ रहे हैं। अपने वजह से उसका ऐसे कान पियर्स नहीं करवाना। इवन माय मॉम डैड थॉट द सेम थिंग सीरियसली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अलाइना रिलेटेड क्वेश्चन, आप अलाइना को गोरा करने के लिए क्या लगाते हो? बस उसको हर रोज हम नहलाते हैं, ये करते हैं हम गोरा करने के लिए। बाकी गोरा करने के लिए ऐसा मैं कुछ नहीं करती और मैं ये कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं रखती हूँ कि बच्चे को ये लगाओ वो लगाओ और ये पिलाओ ये खिलाओ तो बच्चा गोरा होगा। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर आप ये खाओ तो बच्चा आपका गोरा होगा एंड ऑल दैट। मैं ये सब मैं नहीं मानती हूँ। आपका बच्चा हेल्दी है, आप खुश है, आप हेल्दी है पोस्ट डिलीवरी, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो प्लीज अगेन द सेम थिंग, अगर मम्मी पापा का जो कम्प्लेक्शन है, जो उनका स्किन का कलर है, उसके हिसाब से ही आपका बच्चा होने वाला है। तो कुछ ऐसा कोई फैंसी नहीं है कि अगर मम्मी पापा का कम्प्लेक्शन कुछ और है तो बच्चे का कम्प्लेक्शन कुछ और होगा। मैं गलत ढक्कन ले आई इसलिए मैं दूसरा ढक्कन ला के इसको करूँगी। या तो बेसिकली अभी करण तो प्रोटीन शेक पी रहा है एंड अगेन गलत ढक्कन आ गया। ओह मैन, वापस दोबारा ट्राई करेंगे हम। ये लो, अरे आप ही लगा के आप इसको तो बेसिकली अभी करण प्रोटीन शेक पी रहा है। तो एक फूड रिलेटेड क्वेश्चन अलाइना के लिए, आपने काउज मिल्क कब से स्टार्ट कराया एंड व्हाट इज द बेनिफिट्स? एक्चुअली काउज मिल्क 1 ईयर प्लस, जब 1 साल की अलाइना हुई उसके बाद से ही शुरू करा है। और आपके ऊपर है, आप बफलो मिल्क देना चाहते हैं या आप काउ मिल्क देना चाहते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली योर कॉल। जो भी आपके बच्चे को सूट करे, सबसे पहले थोड़ा सा देकर देखे और उसके बाद में ही उसको वो ज़्यादा दें। अगर सूट करता है तो वेरी गुड, अगर देन शिफ्ट टू बफलोज मिल्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड दिस, उन लोग पूछ रहे हैं कि आप अलाइना को हमेशा होल्ड क्यों करते हैं, चलने क्यों नहीं देता है, वीडियोस में ऐसा ही दिखता है कि आप होल्ड कर रहे हो। अरे बेसिकली क्या है, जब वीडियो बनती है अगर वो इधर उधर घूमती है तो मेरी उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता, मेरा नजर नहीं रहता और वो कहीं गिर ना जाए, उसको कोई चोट ना लग जाए, इसलिए मैं उसे अपने पास में रखती हूँ। बाकी अदरवाइज जब वीडियो नहीं बन रही होती है तब वो इधर उधर घूमती रहती है, अपना खेलती रहती है। सो ऑब्वियसली दैट डज नॉट बॉदर अस, बट अलाइना अभी चल रही है, भाग रही है, खेल रही है। और आप अपने बच्चे को कितना भी गोद में ले, इट इज नेवर इनफ। और आई थिंक आप दिस इज वेरी अनफेयर, आप किसी भी मम्मी को नहीं बोल सकते कि अपने बच्चे को नहीं पकड़ सकते। आई वॉन्ट टू होल्ड हर एज अ पार्टनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये काफी जेनेरिक क्वेश्चन है, मैम आप हमारे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं करते? मैं कोशिश करती हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा मैसेज का रिप्लाई करूँ, लेकिन क्या
जाना है कि कुछ गोकू को खाना खाना, इसलिए वो अपना भौंकना शुरू कर रखा है उसने। मैं कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिप्लाई करने का, बट यू नो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी बिकॉज देर आर हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस, बट आई स्टिल ट्राई और मैं कोशिश करती रहूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का मैसेज रिप्लाई करती रहूँ। Lot of people have actually asked कि आप you know where do you buy all the stuff, मतलब ये जो Alaina के toys है, books है, Alaina के toys, books, बहुत सारी चीजें online, बहुत सारी चीजें जो मेरे friends के बच्चों के हुए हुए हैं, उनकी used चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज नई खरीदनी है, काफी चीजें आप अपने दोस्तों से, अपने relatives से, उन सब से ले सकते हैं। सो या जैसे कि यू नो ये भी किसी फ्रेंड का है, सो काफी सारी चीजें हैं जो दूसरों के यूज किए हैं हमारे पास आए। एंड गोकू भौंके जा रहा है कंटिन्यूस, जब तक उसको खाना नहीं मिलेगा तब तक वो चुप नहीं होगा। सो दैट इज वन थिंग। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत सारे लोग पूछते हैं, सो प्लीज इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि कॉमेंट में जरूर लिखिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो हम सब देखते हैं और उसके हिसाब से ही हम लोग वीडियोज बनाते हैं। एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क? एक्चुअली ये मेरा क्वेश्चन, मैंने ऑब्जर्व किया कि काफी लोग आपको मेडिकल एडवाइस पूछते हो कि शिखा दी यू नो माई बेबी हैज गॉट ये इशू, एज अ मदर आई एम गोइंग थ्रू दिस, तो इसका क्या मतलब कोई इलाज है, कोई दवाई है, तो व्हाट डू यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? मैं सिर्फ वो बता सकती हूँ कि अगर वो सिचुएशन में मैं Alaina के साथ रही हुई हूँ तो मैंने Alaina के साथ उस टाइम पर क्या किया। लाइक जैसे कि एक मदर ने पूछा था आई थिंक एक कमेंट में कि उसके बच्चे को टीदिंग की वजह से बुखार हुआ है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब ये सिचुएशन मेरे साथ हुई हुई है तो मैं इसमें सिर्फ यही बता सकती हूँ कि जब मैंने डॉक्टर से पूछा, बिकॉज बिना डॉक्टर के पूछे मैं कुछ भी नहीं ट्राई करती। और मैं यही आपको भी रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ अपने डॉक्टर से पूछ के ही बच्चे के लिए कुछ भी करें। तो उसका Alaina को 9900 फीवर था उस टाइम पर, तो डॉक्टर ने बोला था उसको क्रोसिन देने के लिए। सो मैंने उसको दो दिन क्रोसिन दी और उसका फिर उसके बाद में जो फीवर था वो टेचू ठीक हो गया था। सो दैट इज़ व्हाट आई डिड। तो अगर आपके बच्चे को अगर कुछ बुखार हो या टीदिंग की वजह से है, किस वजह से है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, हो सकता है इन्फेक्शन हो, सो आपको अपने डॉक्टर से बात करना बहुत ही ज़रूरी है, बच्चे को डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी हम अपने दिमाग में खुद कैलकुलेशन लगा के कुछ और करते हैं और एक्चुअली में बेचारा बच्चा जो बोल नहीं पा रहा है उसको प्रॉब्लम कोई और है। सो प्लीज़ स्टिक टू व्हाट योर डॉक्टर इज सेइंग। मैं आपको सिर्फ अपनी चीज़ें जो मेरे साथ हो रही हैं या जो मैं कर रही हूँ वो दिखाती हूँ, वो बताती हूँ, बिकॉज आई लव टू शेयर माई लाइफ विद ऑल ऑफ यू। आप लोगों से जो प्यार मिला है, आप लोगों की से जो हर रोज मुझे यू नो द अफेक्शन दैट आई गेट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, वी आर वेरी थैंकफुल एंड वी लव यू गाइज फॉर दैट। और इसके लिए सारे वीडियोज देखिए, सब्सक्राइब टू फोर व्हीलर स्कूटर, सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्विक कपल ऑफ क्वेश्चंस अभी बाकी। ओके, Alaina गोकू, yeah, so what is the, किसी ने पूछा कि अभी टीथिंग आपने बोला तो Alaina के कितने टीथ आए अब तक? Alaina के ऊपर के दो पूरे दांत, तीसरा ये वाला थोड़ा सा नीचे और नीचे के तीन दांत, सो टेक्निकली उसके है 5.25 दांत अभी तक आए हैं बट उसको उसके दांत थोड़े लेट आए हैं और उसका प्रोसेस अभी भी चल रहा है दांत के आने का। तो बेचारी को बहुत टीथिंग होती है और वो हम कभी यहाँ काटती है, कभी यहाँ काटती है, उसको करती रहती है वो। बट उसके लिए भी आप जो टीदर्स होते हैं बच्चों के वो फ्रीजर में रख के उनको ठंडे ठंडे टीदर्स दीजिए ताकि वो अपने च्यू करके अपने जो गम्स हैं उनको थोड़ा रिलीफ दे सके। सो दैट इज अगेन वन थिंग यू कैन डू फॉर टीदिंग। ओके ओके, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच आई फील आई थिंक मॉडर्न मॉमीज को तो काफी ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, हमको भी आया है कि आप Alaina का स्क्रीन टाइम कैसे मैनेज करते हैं एंड हाउ बच्चों का स्क्रीन टाइम इन जनरल हाउ टू रिड्यूस। तो मेरे बहुत ही अजीज दोस्त मेरे भाई की तरह है डॉक्टर समीर दलवाई, उनका मानना है कि बच्चों को बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए एंड आई कम्प्लीटली बिलीव इन इट। अब आप बोलेंगे कि Alaina तो हर वक्त फ़ोन के सामने ही रहती है और समथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं है। जब वीडियो शूट हो रही है तो ऑब्वियसली हम उसको ऐसे स्क्रीन नहीं दिखाते, बट फोन एज अ प्रॉप वो कभी उठा के कभी अपनी फोटो ले लेती है, कभी कुछ भी लेती है। मैं उसको फ़ोन पे कोई कोको मिलन नहीं, कोई ये चुचू टीवी नहीं, कोई ऐसा कोई सीरीज़ नहीं, कुछ भी मैं उसको फ़ोन पे या टीवी पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाती हूँ।
कभी कभी हम लोग उसको, क्योंकि उसको फिशेज बहुत पसंद है, सो वंस इन अ वाइल कभी होगा तो मैं प्रोजेक्टर पे उसको फाइंडिंग नीमो या फाइंडिंग डोरी के वो क्लिप्स लगा के वो कभी देख लेती है, बट दैट्स इट. उससे ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ कि एलाइना नीचे जाए अपना पोडियम लेवल पर और वहाँ पर खेले दूसरे बच्चों के साथ. अभी तो ऑब्वियसली कोविड को ध्यान में रखते हुए उसके एक दो ही फ्रेंड्स हैं उनके साथ में वो खेलती है. That is there. वो नीचे भागे, खेले, इधर उधर स्विंग्स में जाए अभी. और घर में हम उसके साथ वो फ्लैश कार्ड्स के साथ में खेलते हैं और बाकी सारी जो उसकी चीज़ें हैं उसके साथ में वो खेलती है. सो ऑल दोज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. कोशिश करिए कि बच्चे का स्क्रीन टाइम स्पेशली इन दीज इनिशियल ईयर्स जीरो हो, जीरो. लेकिन आपका बहुत सारा प्यार चाहिए मुझे. आई नीड ऑल योर लव गाइज. सो प्लीज़ और भी बहुत सारे कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस लिखे. आई वांट टू आंसर ऑल ऑफ देम. करण, आपका मेरे लिए कोई क्वेश्चन है? ओके, करण हैज नो क्वेश्चन फॉर मी. करण हैज ओनली लव फॉर मी, राइट? व्हेन डू यू हैव टाइम फॉर मी? आई हैव अ क्वेश्चन. व्हेन डू आई हैव टाइम फॉर करण? ओके, सारा टाइम तो इसको संभालने में, इसको चीजें देने में, इन सारी चीजें समेटने में, पीछे से कि घर में जलेबी बनी है फिर मुझे वापस आना पड़ेगा. टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव. सब्सक्राइब टू YouTube का चैनल फोर व्हीलर स्कूटर. बाय. चलो निकलते हैं भाई. गोकू, अरे अरे अरे.